भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज की शुरुआत से पहले एक बड़ा अपडेट आया है। टीम इंडिया के जो प्रमुख तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, अब वो इंडिया वापस आ रहे हैं। अब भाई आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया कि अचानक 20 सीरीज में मोहम्मद सिराज का नाम था इस सीरीज में बॉलिंग करने के लिए। टीम इंडिया के बॉलिंग जो लाइनअप है उसको लीड करते हैं मोहम्मद सिराज, लेकिन अभी अभी जो खबर आई है कि अब मोहम्मद सिराज इंडिया वापस आ रहे हैं। बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आया है कि उनके जो टखने में एंकल में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से बीसीसीआई रिस्क लेना नहीं चाहता, इस वजह से उन्हें वेस्टइंडीज सीरीज से वापस इंडिया बुलाया जा रहा है। 3 वनडे मैचों की सीरीज थी जो भी आज से खेली जानी है, मोहम्मद सिराज इसका अहम हिस्सा थे, लेकिन मोहम्मद सिराज अब वापस इंडिया आ रहे हैं। इंजरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छी बात यह है, हल्की सी इंजरी है, लेकिन बीसीसीआई कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, इस वजह से मोहम्मद सिराज को वापस इंडिया बुलाया जा रहा है। अब वो वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। टेस्ट सीरीज में अगर आपको बताएं तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया सिराज ने। पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए थे, दूसरे मैच की फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट सिराज ने झटके थे और पहली बार उनको अपने करियर में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था मोहम्मद सिराज को। दूसरी इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाया, मैच वो ड्रॉ हो गया, लेकिन एक शानदार प्रदर्शन हमें सिराज से देखने को मिला था। और अगर मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो भारतीय बॉलिंग जो लाइनअप है उसको लीड भी कर रहे हैं वो। जब से बुमराह इंजर्ड हुए हैं तब से जो बॉलिंग की लीडर की पोजीशन है वो टेक ओवर कर रखी है मोहम्मद सिराज ने। शानदार गेंदबाजी की है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो, हमने देखा है उनसे। इसी वजह से एक प्रमुख गेंदबाज बन गए, फ्रंट लाइन गेंदबाज। जो बुमराह जो भूमिका निभाते थे, अब मोहम्मद सिराज वो भूमिका टीम इंडिया के लिए निभा रहे हैं, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है टीम इंडिया के लिए क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं। सिराज के बाहर होने के बाद से बॉलिंग ऑप्शन क्या है इंडिया के पास, ये भारत को देखने पड़ेंगे। आपके पास जयदेव उनादकट है, आपके पास उमरान मलिक है जिनपे आपने भरोसा दिखाया है, ड्रॉप कर दिए गए थे वो, लेकिन फिर से एक बार टीम में वापस बुलाया आपने आईपीएल के बाद। परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था आईपीएल में भी, फिर भी उमरान मलिक को लेकर आए हैं। मुकेश कुमार है भारत के साथ जिन्होंने अभी टेस्ट में डेब्यू किया, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। और उसके साथ होंगे शार्दुल ठाकुर लगातार इंडिया के लिए खेल रहे हैं, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंद से हो, तो शार्दुल ठाकुर के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी। साथ ही आपके पास एक हार्दिक पंड्या का विकल्प मिलेगा आपको। हार्दिक पंड्या वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, ऑलराउंडर की गेंदबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी क्या हार्दिक पंड्या 10 ओवर गेंदबाजी करने में सक्षम है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंटर क्या बता सकते हैं? हम लाइव हैं इस वक्त, आपके कमेंट भी हम देखेंगे कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर आप लाइव देख रहे हैं, बात हो रही है गेंदबाजी की भारत की। आज से शुरू होना है भारत और वेस्टइंडीज का मैच, उसके पहले ये खबर आ गई कि सिराज टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं। सिराज नहीं होंगे तो गेंदबाजी की लाइनअप कौन करेगा, हमने बताया उनादकट होंगे, वहां पर उमरान मलिक होंगे, शार्दुल ठाकुर होंगे, मुकेश कुमार होंगे। अच्छा डेब्यू था पिछले मैच मुकेश कुमार का, देखते हैं वनडे में उन्हें मौका दिया जाता है नहीं दिया जाता है। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आपका बॉलिंग लाइनअप क्या होने वाला है, टीम इंडिया में किसे मौका दिया जा सकता है, क्योंकि सिराज बाहर हुए हैं बड़ा झटका लगा है। सिराज के अब तक हम परफॉर्मेंस देखें, जो वनडे करियर है उसमें जो उनके विकेट हैं 50% विकेट उनकी इंडिया विकेट पर ही है। सिराज के पास एक अच्छा मौका था विदेशी विकेट पर विकेट लेने का, बट सिराज के साथ ऐसा नहीं हुआ, कुछ हल्की सी इंजरी की वजह से वो इंडिया वापस आ रहे हैं। एक लंबा सीजन है, इसके बाद आपको एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, वहां पर रिस्क लेने जैसा चांसेस बिल्कुल कोई टीम नहीं चाहेगी, कोई कप्तान कोई मैनेजमेंट नहीं चाहेगा, इसी वजह से सिराज को वापस बुलाया जा रहा है। ये हो गई गेंदबाजी की बात। अब बात अगर बल्लेबाजी की करें तो एक समस्या टीम के सामने आती है कि भाई टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ही कंसिस्टेंट नहीं दिखता। आपके पास अभी सूर्य कुमार यादव टीम में है, लेकिन कल को जब श्रेयस अय्यर आएंगे, कल को जब केएल राहुल आएंगे, तो क्या सूर्य कुमार यादव वनडे की टीम में फिट होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि सूर्य कुमार का जो वनडे परफॉर्मेंस है वो T20 जैसा नहीं है। T20 में जरूर वो नंबर वन बैट्समैन है दुनिया के, सूर्य कुमार यादव, उनसे ऊपर कोई नहीं है T20 में, लेकिन जब बात वनडे की आती है तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना कुछ खास नजर नहीं आता है, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस नजर आती है, हालांकि मौके भी उतने नहीं मिले हैं सूर्य कुमार को। तो ये जो 3 वनडे मैचों की सीरीज है सूर्य कुमार यादव के लिए डिसाइडर होने वाली है।